जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं खुद को बहुत बदला बदला महसूस करती हूँ। अच्छा, वो कैसे? पता नहीं। प्लीज बताओ ना, मुझे भी तो पता चले ना। प्लीज प्लीज प्लीज। बस ऐसे ही बहुत मुकम्मल सा, जैसे सारी कमियां पूरी हो गई हो, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो सर से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है मुझे अपना आप बोझ लगने लगा था, हर चीज बुरी लगती, जिंदगी रुक सी गई थी मेरी, तो एक अजीब सा डर लगा रहता था। लेकिन जब से तुम आए हो मुझे डर से भी डर नहीं लगता। तुम्हें पता है जिंदगी फिर से चलने लगी है। सही कहते हैं, शादी के बाद औरत मुकम्मल हो जाती है। शादी मर्द को भी मुकम्मल कर देती, तभी तो तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा नुमाया रिश्ता यही होता है। चलो सेल्फी लेते हैं जैसे सब लोग लेते हैं। चल, तुम्हें भी सेल्फी लेने की बीमारी लग गई। तुम ही से लगी है। दो, दो। चलो चलो। हाँ। अरे करीब आओ ना। से चीज। चीज। वाव, क्या सेल्फी है। अरे मैं अच्छी लग रही हूँ ना? जी नहीं, मैं अच्छा लग रही हूँ। देखिए भाई, दोनों घरों में रिश्ता तय हो गया था। उसूली तौर पर तो आपको मुबारकबाद देने के लिए, रस्म करने के लिए घर आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आई। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? ये तो आप बताएंगी ना कि ये काफी है या नहीं। अब मुझे देखें, अकबर और मदिया को कोई जोड़ है? है, लेकिन मैंने उनका रिश्ता कर दिया ना। हैं? मुझे सुमैया ने नहीं बताया था, अगर पहले बता देती तो मदिया के हाँ करने के लिए मैं 100 बार सोचती। अरे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब सोच ले, 100 दफा सोच ले। नहीं, जो बात तय हो चुकी है सब कुछ वैसे ही होगा। और अम्मी ने कुछ नहीं सोचना, ना मेरे बारे में ना आप ही के बारे में। आप बताएं कैसे आना हुआ? शादी की तारीख तय करने के लिए आया था। मैंने सोचा कि दोनों बहनों की रुखसती एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या कहती हैं? नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसे नहीं हो सकता। पहले आप ही की शादी होगी, फिर उनकी सारी जरूरतें पूरे होंगी, तब होगा सब। लेकिन लेकिन मैं क्यों कुछ नहीं, ये शादी का फैसला मेरा अपना है और मैं इसमें पछताना नहीं चाहती। आप मेरे फैसले की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, मैं तुम्हारे फैसले की बेइज्जती करूं? मैं तो बस ऐसे ही जरा बेसब्रा हो गया था। चले भाई, कोई बात नहीं, इस दफा अकबर और मदिया की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा क्या है, हमारा नंबर बाद में आ जाएगा। अब बिस्मिल्लाह करके शादी की तारीख भी बता दें ताकि बारात लाने में आसानी हो ना। तुम जैसे मुनासिब समझो। अगले महीने की 20 तारीख ठीक रहेगी? ठीक है। बस तो ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई का क्या है, अगली दफा खा लेंगे। चलता हूं। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीतड़ी टंग टंग टंग। अरे भाई शोर तो नहीं मचाओ ना, खामोशी से काम करो अपना, मुझे भी काम करने दो। गाना ही तो गा रही हूँ, अब तुम्हें मेरा गाने गाने पे भी एतराज है? चलो, नहीं गाती गाना। सुमैया, तुम्हें मदिया की बातें दुख पहुंचाती है ना बेटा? मुझे भी बहुत बुरी लगती है उसकी बातें। जाने दे अम्मी। तुम उसका घर बसाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो, मैं सोचती हूँ उसको सारी हकीकत बता दूं। नहीं, उसे नहीं बताना।
ठाकुर से पता चल गया तो उसकी सारी खुशी अधूरी रह जाएगी। कितनी मुश्किल से उसे खुद पे एतमाद हुआ, कितनी मुश्किल से तो वो खुश हुई है। अगर उसे ये सब पता चल गया तो दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। नहीं, और इस रिश्ते के बाद ही तो वो अपने आप पर एतमाद करना सीख रही है। उसे नहीं बता सकती और मैं उसके लिए खुश हूं।